मैं हूं राजेश्वर मधुकर अपनी नई रचना के साथ। प्रस्तुत है मेरी नई रचना। अंतहीन गति मंद मंद सी, अंतहीन गति मंद मंद सी, गतिमय करने का जब हुआ प्रयास। अंतहीन गति मंद मंद सी, गतिमय करने का जब हुआ प्रयास, बदल गई स्थितियां सारी, बदल गई स्थितियां सारी, टूट गई सब मन की आस। बदल गई स्थितियां सारी, टूट गई सब मन की आस। अंतहीन गति मंद मंद सी, अंतहीन गति मंद मंद सी। उम्मीद एक ऐसी चीज है इंसानी जिंदगी में जिसको आंचल में बांधे इंसान पूरी जिंदगी भर सफर करता है। किसी को इन उम्मीदों से मुलाकात हो जाती है और कोई भटकता रहता है। किसी की आस बंधी पल्लू में, किसी के हाथ लकीरों में, किसी की आस बंधी पल्लू में, किसी के हाथ लकीरों में, स्वप्न में जीते बीत गए युग, स्वप्न में जीते बीत गए युग, घूमे मन पीर फकीरों में, किसी की आस बधी पल्लू में, किसी के हाथ लकीरों में, स्वप्न में जीते बीत गए युग, घूमे मन पीर फकीरों में। मन की देहरी दीप जले कोई, मन की देहरी दीप जले कोई, मेरा भी ही करे उजास। मन की देहरी दीप जले कोई, मेरा भी ही करे उजास। अंतहीन गति मंद मंद सी, अंतहीन गति मंद मंद सी, गतिमय करने का जब हुआ प्रयास। अगली पंक्ति है, ये दुख है, जो पीड़ा है, जो दर्द है, ये दूसरों के लिए तो ये दुख और पीड़ा मात्र एक शब्द है। एक शब्द से अलग इसका अस्तित्व दूसरों के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पीड़ा क्या है, उसमें कितना दर्द छिपा हुआ है, उसको भोगना कितना कठिन है, ये वही व्यक्ति बता सकता है जो उस पीड़ा में जी रहा है। वही जानता पीड़ा का दुख जो पीड़ा में जीता है, वही जानता पीड़ा का दुख जो पीड़ा में जीता है। सूनी रात के अधियारे में, सूनी रात के अधियारे में, जो वक्त की कथरी सीता है। वही जानता पीड़ा का दुख जो पीड़ा में जीता है, सूनी रात के अधियारे में, जो वक्त की कथरी सीता है। आस निराश में जीवन बीता, आस निराश में जीवन बीता, मन भोगे मन का प्रवास। आस निराश में जीवन बीता, मन भोगे मन का प्रवास। अंतहीन गति मंद मंद सी, गतिमय करने का जब हुआ प्रयास। बदल गई स्थितियां सारी, बदल गई स्थितियां सारी, टूट गई सब मन की आस। फिर किसी नई रचना के साथ हमारी आपसे मुलाकात होगी। बस एक विनम्र निवेदन है कि रचना के बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें।